बाद में बता दीजिए घरे आ गए जब तो हमें मारो। जबलपुर में थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीणों से बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। लोगों ने इस मामले को लेकर जबलपुर एसपी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जय कुमार पटेल नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि शाहजहांपुरा थाना प्रभारी द्वारा उसके और उसके दो बेटों के साथ थाने बुलाया गया। उसका कहना है कि थाना प्रभारी के कहने पर वहां मौजूद स्टाफ में उसके दोनों बेटों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसके दोनों बेटों को पुलिस ने लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। उसने आरोप लगाया है कि उसके पास रखे 7,000 रुपए थाना प्रभारी ने छीन लिए और जब उसने थाना प्रभारी से इस मामले में जानकारी मांगी तो थाना प्रभारी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जय कुमार पटेल अपने घायल बेटों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उन लोगों ने पुलिस की पिटाई के निशान भी दिखाए। एडिशनल एसपी शिवेंद्र सिंह बघेल को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं पीड़ित किसान ने भी मीडिया को अपनी आप बेती सुनाई और देखिए उसने क्या कहा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या दोषी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी लड़की को फोन आया था सर की तो मुझको उसे अपना थाने बुलाया गया। मेरी लड़की ने मुझसे मैं खेत में था वहाँ पे बात हुई मेरी वहाँ से इस लड़की ने बुलाया कि TI साहब का फोन आया है आप चलो पापा। तो मैं गया सर वहाँ पे हम लोगों को अंदर कर दिया। यही साहब ने वहाँ और लोग लॉकअप में अंदर मारपीट करने लगे बिना वजह से। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मेरी शिकायत मारा पीटा उन लोगों ने सर मेरे को यही साहब ने। तो क्या चाह रहे हो आप जी? मैं अनहानी का दावा पेश करना चाहता हूँ। जो भी मेरी शिकायत यहाँ सुनाई मेरी वो करी जाए। अधीक्षक साहब से विनती है। और मैं कुछ मामला उन्होंने बताया कि क्या मामला है? सर कुछ मामला नहीं पता मुझे। पहले जो बुलाया था उसको मामला। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इनको सस्पेंड भी किया जाए? जी हुँ? जी नाम नाम बताओ। राजकुमार पटेल।